नमस्कार, आप सबका स्वागत है। तो आज हम एक आर्टिकल है जो कि एक ट्विटर अकाउंट है जो ट्विटर पे भी चैट्स लिखते हैं और ब्लॉग्स भी लिखते हैं। ब्लॉग जो है वो मैं पढ़ने जा रही हूँ, क्योंकि अक्सर क्या होता है कि भगत सिंह जी का को हमेशा ही एक मार्क्सिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है या उनको एथियस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। और इसलिए भी कुछ लोग भारत में जो है वो उनको अपने साथ जोड़कर एंटी हिंदू और एंटी सवर्कल जो स्टैंड है वो लेते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने पढ़ा नहीं है। और हमारी साइड के जो लोग हैं, हमारी साइड पे हम जैसे लोग जो हैं, हम लोगों ने भी पढ़ा नहीं है, तो हम उनको काउंटर नहीं करवाते हैं या हमारे पास बहुत बार आंसर्स नहीं होते उनकी बातों के। तो आज हम पढ़ेंगे कि सावरकर जी का कितना इम्पैक्ट था भगत सिंह पे और भगत सिंह जी सावरकर जी को किस तरह से देखते थे। तो मैं रीडिंग कर रही हूँ और साथ साथ में मैं कुछ इसमें फैक्ट्स भी हैं, यानी कि रेफरेंसेस भी हैं, स्क्रीनशॉट है। मैं डाल दूंगी इस ब्लॉग का लिंक जो है वो रीडिंग करने के बाद, खत्म होने के बाद, नीचे पिन मैसेज में। आप खुद से पढ़ना चाहते हैं, खुद से सेव करना चाहते हैं इसको अपने पास, तो जरूर करिएगा। और कमेंट सेक्शन में इस ब्लॉग के, अगर आपको अच्छा लगे ये वीडियो, तो इस जिन्होंने ये ब्लॉग लिखा है उनको प्लीज सपोर्ट करिए। अगर आप ट्विटर पे हैं ट्विटर पे, अदरवाइज वो जो ब्लॉग लिखते हैं वहां पे। तो ये लिखते हैं, रत्वक जी लिखते हैं, भगत सिंह वॉज एन एडमायर ऑफ सावरकर एंड गॉड गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम। तो ये किस बेसिस पे लिख रहे हैं, क्योंकि हमने अक्सर सुना है ऐसा कोई कहीं भी बात नहीं कही जाती, या अक्सर कहा जाता है कि नहीं, सावरकर जो है उनको एक्सट्रीमिज्म से हिंदूज के साथ जोड़ा जाता है और भगत सिंह जो है उनको एथीस्ट के साथ जोड़ा जाता है, और वो मोनोथीस्टिक माइंडसेट जो है वो हिंदू सोसाइटी के ऊपर अप्लाई करने की कोशिश की जाती है कि यहाँ पे अगर कोई एथियस्ट है तो वो हिंदूज के अगेंस्ट ही होगा, और अगर कोई हिंदू है तो वो एथिज्म के अगेंस्ट होगा। ऐसा है नहीं, क्योंकि जो हिंदू सोसाइटी है उसमें एक्सेप्टेड होते हैं। अगर आप सीख कर रहे हो, अगर आप अभी प्रोसेस में हो, तो आपको हिंदू सोसाइटी कभी भी परसिक्यूट नहीं करती। इवन चार्वाका जो हमारी अपनी फिलॉसफी है भारत की, उसको अगर आप देखेंगे तो वे प्योरली मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी है, और उसको उनके ऊपर कभी भी इतना कोई अत्याचार नहीं हुआ जितना मतलब मोनोथिस्टिक सोसाइटीज में होता है। लेकिन क्योंकि वो जो हमारे लेफ्टिस्ट हैं वो भारत को भी मोनोथिस्टिक लेंस से देखते हैं, तो वो कई वो जो ये चीजें जो है वो अंडरस्टैंड नहीं कर सकते हैं। भगत सिंह हैड द फोर्थ एडिशन ऑफ सावरकर्स बुक्स ऑन 1857 सीक्रेटली पब्लिश्ड इन इंडिया। भगत सिंह वॉज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाई अ स्मॉल इंग्लिश बायोग्राफी ऑफ सावरकर दैट ही रेड इन द्वारकादास लाइब्रेरी ऑफ लाहौर। यानी कि आप समझ लीजिए कि भगत सिंह जो है वो सावरकर जी की 1857 की जो जो उन्होंने बुक लिखी थी उसको भगत सिंह ने पब्लिश किया था चौथी बार। फोर्थ एडिशन जो है वो भगत सिंह ने भारत में पब्लिश किया था सीक्रेटली और डिस्ट्रीब्यूट किया था। और इसकी रेफरेंस आपको अगर चाहिए तो संजीव सान्याल जी की बुक है रेवोल्यूशनरीज, उसमें भी मिल जाएगी, और भी बहुत जगह पे स्कैटर्ड हैं इसके रेफरेंसेस। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहते हैं तो कर लीजिए। भगत सिंह जी ने ही सावरकर की किताब को जो 1857 के ऊपर है उसको पब्लिश किया था भारत में। इवन जो अजीत सिंह जी थे भगत सिंह के चाचा जी, उनके भी रिलेशंस या न, आ, आ, कहें कि कनेक्शन जो है सावरकर जी के साथ बहुत गहरे थे। आगे लिखते हैं कि भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट एक्सपेक्टेड न्यू रिक्रूट्स टू द HSRA टू नॉट ओनली रीड अबाउट द रशियन रेवोल्यूशन एंड द आयरिश रिपब्लिकन आर्मी बट ऑल्सो द लाइफ स्टोरी ऑफ विनायक दामोदर सावरकर। यानी कि जो भगत सिंह थे उन्होंने अपने जितने नए नए लड़के आते थे जो रिक्रूट होते थे रेवोल्यूशनरीज के साथ, जो एक तरह से वो जो आइडिया था वो जो एग्रेसिव ब्रिटिश की जो एग्रेसिव उनको पुशबैक दिया जा रहा था, तो उसमें जितने भी लड़के जो नए आते थे या लड़कियां भी आती थी उनको कहा जाता था कि आप रशियन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़िए, आप आयरिश रिपब्लिकन आर्मी के बारे में पढ़िए, और
दामोदर सावरकर जी के बारे में जरूर पढ़िए। और वो इसीलिए कहा जाता था क्योंकि उस समय पर मैंने बहुत बार कहा है कि संजीव सान्याल जी की अगर आप रेवोल्यूशनरी बुक पढ़ेंगे, अदरवाइज विक्रम संपत की भी है, लेकिन रेवोल्यूशनरी उस बहुत बुक जो है वो बहुत छोटी बुक है, एक दिन में कंप्लीट हो जाती है, तो मैं इसलिए उसको बार बार रेफर करती हूँ क्योंकि विक्रम संपत जी ने बहुत डिटेल वर्क किया है। लेकिन उसको अगर आप कॉम्पैक्ट यानी कि कम टाइम में पढ़ना चाहते हैं तो रेवोल्यूशनरी संजीव सान्याल जी की बुक काफी है आपके लिए, अगर आप ज्यादा नहीं पढ़ते हैं तो। और इसके सोर्स जो है विक्रम संपत की बायोग्राफी जो विक्रम संपत जी ने लिखी है, सावरकर जी की बायोग्राफी, उसमें ये स्क्रीनशॉट उन्होंने डाला हुआ है। सावरकर एंड हिज वर्क इंस्पायर्ड रेवोल्यूशनरीज अक्रॉस इंडिया। भगत सिंह हैड द फोर्थ एडिशन ऑफ सावरकर्स बुक इन ऑन 1857 सीक्रेटली पब्लिश्ड इन इंडिया 46। यानी कि ये देखिए, ये रेफरेंस के साथ विक्रम संपत की बुक में भी है और यही रेफरेंस के साथ जो है संजीव सान्याल जी की बुक में भी मैंने यही रेफरेंस जो है वो पढ़ी थी। दीज आर द रेफरेंस ऑफ हाउ भगत सिंह हैज डीपली इन्फ्लुएंस्ड बाय अ स्मॉल इंग्लिश बायोग्राफी ऑफ सावरकर दैट ही रेड इन द्वारका दास लाइब्रेरी ऑफ लाहौर। कॉपीज ऑफ बुक वर फाउंड इन द कोर्स ऑफ द रेड ऑन ऑल ऑफ लाहौर। कॉपीज ऑफ बुक वर फाउंड इन द कोर्स ऑल द मेंबर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSR, जो हमने ऊपर पढ़ा उसकी फुल फॉर्म है ये। यानी कि वहां पे इसकी बहुत सारी कॉपीज मिली, लाहौर में भी बहुत सारी कॉपीज मिली। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने पढ़ा है विक्रम संपत जी की बुक को या संजीव सान्याल को, लेकिन अगर आप बहुत सारी किताबें पढ़ते हो जो उस समय के रेवोल्यूशनरीज के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि वो लोग इस तरह से छुप छुप कर किताबें बहुत ज्यादा पढ़ते थे। तो इसीलिए जब आप जानते हैं ना कि मैं जब लोगों को बोलती हूँ कि किताबें पढ़िए, तो वो इसीलिए बोलती हूँ क्योंकि मैंने जब जब जिस भी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिटी को मैं पढ़ती हूँ या स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी को पढ़ती हूँ, चाहे भारत के कंटेक्स्ट में हो जिनके थॉट्स बहुत क्लियर थे, भारत के कंटेक्स्ट में हो या वेस्टर्न कंटेक्स्ट में हो, तो उनके अंदर एक एक चीज कॉमन सबके अंदर होगी कि वो सब लोग जो है वो किताबें बहुत ज्यादा पढ़ते थे। इसीलिए मैं लोगों को बार बार जो है वो पुश करती रहती हूँ कि किताबें पढ़िए। तो इस तरह से ये रेफरेंस जो है ये आपने देख लिया। आगे ये वाला देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ही रिकॉल्स हिज मीटिंग विद भगत सिंह एंड सुखदेव ड्यूरिंग देयर रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। दे हैड मेट खन्ना, स्पोकन टू हिम ऑन पॉलिटिक्स एंड वाइड रेंज ऑफ इशूज टू गॉज हिज पॉलिटिकल ओरिएंटेशन। यानी कि वो लोग आपस में शास्त्रार्थ भी करते थे और जानते थे कि जिसको लेके आ रहे उस पर्सन की पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग कैसी है, उस पर्सन को ने क्या क्या पढ़ा हुआ है या कितनी तरह की किताबें पढ़ी हैं या उसकी क्या व्यूज है रशियन रेवोल्यूशन को लेकर, आयरिश रिपब्लिक आर्मी को लेकर। इस तरह से उनको हर पर्सन से जो है वो बात की जाती थी। लास्ट की एक लाइन पढ़ रही हूँ, सारा नहीं मैं पढ़ सकती हूँ। डैनियल ग्रीन्स माई फाइट फॉर आयरिश फ्रीडम 1924 एंड चित्रगुप्त लाइफ ऑफ बैरिस्टर सावरकर, इट हैज बिकम द क्लियर दैट भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट एक्सपेक्टेड न्यू रिक्रूट टू HSRA टू नॉट ओनली रीड अबाउट रशियन रेवोल्यूशन आयरिश रिपब्लिकन आर्मी बट ऑल्सो द लाइफ स्टोरी ऑफ विनायक दामोदर सावरकर। यानी कि सावरकर जी की जो बायोग्राफी है, छोटी सी इंग्लिश की बुक है, उसको जो है वो पुश करते थे सब लोगों को कि वो लोग जरूर पढ़े, क्योंकि वो क्लैरिटी ऑफ थॉट जो सावरकर के अंदर मुझे भी दिखती है वो मुझे एज सच किसी और पर्सन में नहीं दिखती थी। और इवन अगर आप रेवोल्यूशनरीज जितने भी उठा के देखेंगे, उन सब के अंदर एक कॉमन चीज आपको इन्फ्लुएंस, एक पर्सन का इन्फ्लुएंस कॉमन आपको दिखेगा, वो थे सावरकर। सिक्स कोट्स फ्रॉम सावरकर्स बुक हिंदू पद पातशाही वर नोटेड बाय भगत सिंह इन हिज ओन हैंड राइटिंग इन हिज जेल डायरी। यानी कि जो छह जो सावरकर जी के बुक थी हिंदू पद पातशाही, उसमें उन्होंने छह कोट जो दिए थे, उन कोट्स को जो है वो भगत सिंह की जो जेल की डायरी थी उसमें नोट किया हुआ था। यानी कि वो उनके
वो उनसे इंस्पायर थे या उससे एसोसिएट करते थे अपने आप को, तभी उन्होंने डायरी में लिखा था ना, ऐसे तो कोई नहीं लिखता है। मैं ये वाला पार्ट तो छोड़ रही हूँ जो बुक से है विक्रम सप्पा जी की, मैं ये नीचे की नीचे वाली आपको पिक्चर दिखाती हूँ। पैसेज फ्रॉम वीर सावरकर्स हिंदू पद पातशाही इन भगत सिंह हैंड राइटिंग इन हिज जेल डायरी, ये देखिए नीचे आपको दिख रही है पिक्चर, ये देखिए हिंदू पद पातशाही, और ये डेट लिखकर साइन किए हुए। अगर आप स्क्रीन को देखने देखना चाहेंगे तो ये देखिए, ये उन्होंने सारे कोट्स जो हैं वो लिखे हुए हैं, ये उनकी डायरी की पिक्चर क्लिक की हुई है। मैं जब डाल दूंगी नीचे लिंक तो उसको आप पढ़ लीजिएगा और इसको सेव करके रख लीजिएगा, और जब भी कोई कहे कि हाँ सावरकर और भगत सिंह में कोई कनेक्शन नहीं था, तो उन जो भगत सिंह थे वो अपने आप को बहुत ज्यादा इंस्पायर मतलब इंस्पिरेशन लेते थे सावरकर जी से। वर्ल्ड लवर इज द हीरो हुम वी डू नॉट हेसिटेट टू अ लिटल टू कॉल अ फायर्स इंसर्जेंट स्टॉन्च एनार्किस्ट द सेम हीरोइक सावरकर कमिंग इन द वेव ऑफ वर्ल्ड लव ही यूज टू स्टॉप वॉकिंग ऑन ग्रास थिंकिंग दैट द सॉफ्ट ग्रास वुड बी मूव्ड अंडर द फीट भगत सिंह, सोर्स विक्रम संपत्स बायोग्राफी ऑन सावरकर। इन एन आर्टिकल टाइटल विश्व प्रेम पब्लिश ट्वाइस इन मतवाला ऑफ 15 एंड 22 नवंबर 1926 भगत सिंह हैड दिस टू से अबाउट सावरकर, यानी कि एक विश्व प्रेम नाम से उन्होंने आर्टिकल लिखा था और उसमें दो बार मतलब पब्लिश हुआ, वो 15 नवंबर 1926 को और 22 नवंबर 1926 को, जिसमें भगत सिंह ने सावरकर जी के बारे में क्या लिखा उसके बारे में जानते हैं। वट ही परसीव एज लेटेस्ट टेंडर हार्ट डिस्पाइट बींग अ रेवोल्यूशनरी वर्ल्ड लवर इज अ हीरो हुम वी डू नॉट हेजिटेट अ लिटल टू कॉल अ फायर्स इंसर्जेंट स्टॉन्च एनार्किस्ट द सेम हीरोइक सावरकर, यानी कि उन्होंने कहा कि वो व्यक्ति जो पूरे विश्व को प्यार करता है और जो जो के पूरे विश्व को प्यार करता है, हमने ऐसे हीरो को सावरकर जी को वो कह रहे हैं कि ऐसे हीरो को जो है हमने एनार्किस्ट बोल दिया और हमने जो है इंसर्जेंट बोल दिया, यानी कि ये वो क्योंकि उस समय पे जो बातें चल रही थी वहां पे सावरकर जी को गलत बोला जा रहा होगा, तो उसका इम्पैक्ट देके भगत सिंह ने लिखा उनके बारे में कि ये जो बोला जा रहा है उनके बारे में ये गलत है, वो तो विश्व को प्यार करने वाले हैं। कमिंग इन द वेव ऑफ वर्ल्ड लव ही यूज टू स्टॉप वॉकिंग ऑन ग्रास थिंकिंग दैट द सॉफ्ट ग्रास वुड बी मूव्ड अंडर द फीट। इन मार्च 26 भगत सिंह ऑल्सो रोट अबाउट सावरकर एंड हिज इक्वेशन विद हिज प्रोटोग इन लंडन द मार्टर मदनलाल ढींगरा। बहुत सारे लोगों को नहीं पता मदनलाल ढींगरा जो है वो पंजाबी हिंदू थे और भगत सिंह के बहुत करीबी थे, और मदनलाल ढींगरा का सावरकर जी के साथ भी एक कनेक्शन है, जिसको भी आप ढूंढ के तो आपको पता चलेगा। आगे बढ़ते हैं। इन मार्च 1926 भगत सिंह ऑल्सो रोट अबाउट सावरकर एंड हिज एजुकेशन विद हिज प्रोटोंग इन लंडन द मार्टर्ड मदनलाल ढींगरा। उन्होंने बहुत के क्या लिखा मदनलाल ढींगरा और सावरकर के बारे में वो पढ़ लेते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट रीच्ड इंग्लैंड एज वेल एंड मिस्टर सावरकर ओपन हाउस कॉल्ड इंडियन हाउस। इंडियन हाउस को के बारे में अगर आपको पढ़ना है डिटेल में तो फिर से मैं कोट करूंगी संजीव सान्याल जी की बुक है रेवोल्यूशनरीज, उसको पढ़िए। इंडियन हाउस के बारे में आपको उसमें बहुत कुछ जानने को मिलेगा, और वहां पे बहुत सारी ऐसी लोग आपको दिखेंगे जो कि भारत के अलग अलग जगह पे जिन्होंने रेवोल्यूशनरीज की तरह मतलब काम किया, और जिन्होंने जो के रेवोल्यूशनरीज बने बाद में, और उन उस चीज का कितना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था ये आपको
जब वो बुक पढ़ेंगे आप संजीव सान्याल जी की, तब आपको पता चलेगा। क्योंकि हम अक्सर कह देते हैं कि भगत सिंह अलग थे, सावरकर जी अपना अलग काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था। ये जितने रेवोल्यूशनरीज हैं भारत के, इवन सुभाष चंद्र बोस, उसके अलावा पटेटो किंग ज्वाला सिंह जो यूएसए में थे, उनके बारे में पढ़िए, अजीत सिंह जो चाचा जी थे भगत सिंह के, वो ये सब लोग कनेक्टेड थे। ये लेटर्स लिखते थे एक दूसरे को, फिर वहां से आर्टिकल लिखते थे, उसको ट्रांसलेट करके अलग अलग जगह पे भेजा जाता था। इवन इतने सारे रेवोल्यूशनरी नेटवर्क था, इतना बड़ा रेवोल्यूशनरी नेटवर्क था कि भारत में अगर कोई आर्टिकल लिखा जाता था या बुक लिखी जाती थी तो उसको फिर अलग अलग जगह पे भेजा जाता था। कोई फ्रेंच में उसको ट्रांसलेट करके छाप रहा है, कोई जापानीज में ट्रांसलेट करके छाप रहा है, कोई अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके छाप रहे हैं, ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। वन डे मिस्टर सावरकर एंड मदनलाल ढींगरा वर टॉकिंग फॉर अ लॉन्ग इन अ टेस्ट डेयरिंग टू गिव अप हिज लाइफ। सावरकर पीस द बिग निडल इन हिज हैंड बाय आस्किंग मदनलाल टू ले हिज हैंड ऑन द ग्राउंड, बट पंजाबी वी डिड नॉट इवन से आ टियर फिल द आई ऑफ बोथ। द टू हग ईच अदर, ओ हाउ ब्यूटिफुल दैट टाइम वाज, हाउ इन वैल्यूएबल एंड इनडेबल दैट टीयर ड्रॉप वॉज, हाउ ब्यूटिफुल दैट मैच वॉज, सो ग्लोरियस। वट शुड वी नो अबाउट द इमोशन, वट कॉमनली पीपल हु आर अफ्रेड ऑफ इवन द थॉट ऑफ दैट नाउ, हाउ हाई, हाउ होली, हाउ रिवर्ड आर दोज हु डाइड फॉर द सेक ऑफ द नेशन। फॉर द नेक्स्ट डे ढींगरा डिड नॉट गो टू इंडियन हाउस ऑफ सावरकर एंड अटेंडेड द इंडियन स्टूडेंट मीटिंग ऑर्गेनाइज बाय सर कर्जन विली। सीइंग दिस द बॉयज ऑफ इंडियन हाउस गॉट वेरी एजुटेटेड एंड स्टार्टेड कॉलिंग हिम इवन अ ट्रेटर, बट देयर एंगर वॉज रिड्यूस्ड बाय सावरकर सेइंग दैट आफ्टर ऑल ही हैड ट्राई टू इवन ब्रेक हिज हेड टू रन आर हाउस एंड ड्यू टू हिज हार्ड वर्क अ मूवमेंट इज गोइंग ऑन, सो वी शुड थैंक हिम। ऑन July 1, 1909 देर वॉज अ मीटिंग एट द जहांगीर हॉल ऑफ द इम्पीरियल इंस्टीट्यूशन, सर कजन वेली ऑल्सो वेंट देयर। ही वॉज टॉकिंग टू 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 अदर पीपल, दैट वॉज वेन ढींगरा सडनली पुल्ड आउट पिस्टल एंड ही वॉज पुट टू स्लीप फॉर अवर। देन आफ्टर सम स्ट्रगल ढींगरा वॉज कॉट, वट टू से आफ्टर दैट देर वॉज अ वर्ल्ड वाइड क्राई। Everyone started abusing Dhingra wholeheartedly. His father sent a telegram from Punjab and said that I refuse to accept such rebellious and murderous man as my son. यही मैं कहती हूँ कि बहुत सारे लोग जो है वो पंजाब में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को जो है वो टारगेट करते हैं, लेकिन मैं लोगों से कहना चाहूंगी कि पंजाबी हिंदूज ने भी क्या क्या किया था उसके बारे में भी रिसर्च कीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि पंजाब के अंदर जो है वो रेवोल्यूशनरीज नहीं थे, बिल्कुल थे, लेकिन पंजाब के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग भी थे जिन्होंने ब्रिटिशर्स की लॉयलिटी को नहीं छोड़ा था। और उसमें से एक मदनलाल ढींगरा जी के पेरेंट्स थे, उनके फादर ने ये कहा, उनके फादर ने उस मदनलाल ढींगरा जी की बॉडी भी एक्सेप्ट करने से मना कर दिया था, और उनके जो लास्ट जो राइट्स थे, जो क्रिमेशन वगैरह थी, वो सावरकर जी और उनके जो कलीग थे, जो हमारे रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने किए थे। तो यहाँ से टेलीग्राम भेजा पंजाब से मदनलाल ढींगरा के फादर ने और बोला कि मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता हूँ। द इंडियन हेल्ड इंडियंस हेल्ड लार्ज मीटिंग, देर वॉज अ बिग स्पीचेस, बिग प्रपोजल मूव्ड ऑल इन ब्लास्फेमी, बट इवन एट दैट टाइम सावरकर वॉज अ हीरो हु फोर्ड हिम ओपनली, फेवर्ड हिम ओपनली। एट फर्स्ट ही ऑफर्ड एन एक्सक्यूज फॉर नॉट लेटिंग द मोशन पास अगेंस्ट हिम दैट ही इज स्टिल ट्रायल एंड वी कैन नॉट कॉल हिम गिल्टी। Finally, when the vote was taken on this proposal, the Speaker of the House, Mr. Bipin Chandrapal, was saying that if it deemed to be anonymously passed by everyone, then Savarkar Sahab stood up and started the lecture. Just then, an Englishman punched him in mouth and said, "Look how straight the English first goes." A Hindustani young man put a stick on the head of the Englishman and said, "See how straight the Indian club goes." There was a noise. The meeting was left in between and the proposal remained unpassed. Well, yani ki jab Madanlal Dhingra ji ne wahan pe ye ho gaya, unke father ne
उनको छोड़ दिया था। तो क्रिमेशन तो मैंने जैसे आपको बताई कि सावरकर जी और बाकी लोगों ने किया था। इवन वहां पे जो एनआरआई थे जो के भारत से गए हुए लोग थे, उन्होंने मीटिंग करके बोला था कि जो ब्रिटिशर्स है वो हमसे नाराज ना हो जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो, इसलिए उन्होंने कुछ मदनलाल ढींगरा जी को पोज करने के लिए उन्होंने कुछ इस तरह से मतलब रेजोल्यूशन पास करने की कोशिश की थी। वहां पे भी सावरकर जी अकेले थे जिन्होंने अपोज किया था और उनको मारा गया था इंडियंस के द्वारा। यहाँ पे इंग्लिशमैन भी थे लेकिन कुछ इंडियंस भी थे जो उस इंग्लिशमैन के साथ थे, क्योंकि मैंने उस इस घटना को डिटेल में पढ़ा है तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि वो सारे इंग्लिशमैन जो थे, सारे इंडियंस जो थे, वो सावरकर जी के अगेंस्ट खड़े हो गए थे। अकेले सावरकर जी अकेले थे जिन्होंने मदनलाल ढींगरा के साथ खड़े रहे। तो ऐसे पंजाबी अगर आप मुझसे पूछें, क्योंकि मैं जो लॉयलिस्ट पंजाबी है जो ब्रिटिशर्स के कोलैबोरेटर है उन पंजाबियों से मेरा कोई अपने आप को नहीं जोड़ती हूँ, तो ऑब्वियसली बात है कि मैं वीर सावरकर जी के साथ ही अपने आप को जोड़ूंगी, क्योंकि वो अकेले थे जिन्होंने जो मेरे हमारे हीरो हैं पंजाब के मदनलाल ढींगरा जी उनके लिए खड़े हुए थे। और आज पंजाबी हिंदू भी मदनलाल ढींगरा को नहीं याद करते हैं। तो दूसरों के ऊपर पॉइंट आउट करने से पहले हिंदू को अपने आप से पूछना चाहिए, क्या वो जानते हैं अपनी हिस्ट्री को। भगत सिंह गॉट सम आर्टिकल्स ऑफ सावरकर रिपब्लिश, हियर इज अ लिस्ट ऑफ फ्यू सोर्स विक्रम संपत बायोग्राफी ऑन वीर सावरकर। भगत सिंह ने बहुत सारे सावरकर जी के आर्टिकल्स हैं जो रिपब्लिश किए थे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जितने भी आर्टिकल्स लिखे जाते थे उनको फिर अलग अलग रेवोल्यूशनरीज जो अलग अलग जगह पे हैं वो ट्रांसलेट करते थे और उसको रिपब्लिश करते थे, ताकि वो जो वर्ड है या वो जो मैसेज है वो पूरे भारत में जाए। और ऐसे बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज थे जिनका कोई काम नहीं था, सिर्फ उनका यही काम था कि उन किस तरह से ये जो आर्टिकल्स हैं इनको ट्रांसलेट करना है, रिपब्लिश करना है और बांटना है। तो इस तरह से ये लोग, इस तरह से रेवोल्यूशनरीज एक दूसरे के साथ टच में रहते थे और अपडेटेड रहते थे। अब कौन कौन से आर्टिकल सावरकर के हैं जो वीर भगत सिंह जी ने जो है वो रिपब्लिश किए थे? क्वाइट एविडेंटली देर वॉज अ म्यूचुअल एडमायरेशन बिटवीन दीज टू रेवोल्यूशनरीज भगत सिंह एंड सावरकर। एन आर्टिकल पब्लिश्ड इन सावरकर्स श्रद्धानंद टाइटल्ड द रियल मीनिंग ऑफ टेरर वॉज पब्लिश्ड बाय भगत सिंह एंड कॉलेजी कीर्ति इन मे 1928। एन आर्टिकल रिटन बाय सावरकर एक्सप्रेसिंग सॉलिडिटी एंड सपोर्ट फॉर भगत सिंह एंड हिज कंपेनियन वॉज टाइटल्ड Armed but tyrannical, a small article on name of the bomb's philosophy was published by Bhagat Singh HSRA and Bhagwati Charan Vohra on 26 January 1930. The article was given final shape by Bhagat Singh in Jain Hall was distributed across the country. तो देख रहे हैं आप किस तरह से लिखते भी थे। जैसे मैंने कहा इन सब लोगों के अंदर दो चीजें बहुत कॉमन थी, एक सब लोग किताबें पढ़ते थे अलग अलग, दूसरा सब लोग लिखते बहुत ज्यादा थे। इवन अगर आप देखें बहुत सारे लोग जो है वो कांग्रेस लीडर्स की बहुत बखान करते हैं कि वो बहुत पढ़े लिखे थे या उन्होंने ये किताबें लिखी वो किताबें लिखी, ऐसा नहीं है। जो एक्चुअली हमारे रेवोल्यूशनरीज हैं उन लोगों ने भी बहुत कुछ लिखा था और उन लोगों ने बहुत कुछ बहुत पढ़ते भी थे। मतलब मैं उनकी जब बुक्स की लिस्ट देखती हूँ जो जो उन्होंने पढ़ा था, तो मैं मतलब एडमायर करती हूँ उनको कि उन्होंने वेस्टर्न ऑथर्स को भी पढ़ा था, फिलोसफी भी पढ़ते थे और भी बहुत कुछ पढ़ते थे। भगत सिंह रोड द एसे विश्व प्रेम यूनिवर्सल लव अंडर द अलायंस ऑफ बलवंत सिंह एंड इट वॉज पब्लिश इन टू इशूज ऑफ कलकत्ता वीकली मतवाला। Year 2 issue number 13-14, the two issues were published in 15 November 1924 and 22 November 1924. He wrote, "A lover of universal love is a brave individual whom we have no hesitation in calling an awesome rebel and uncompromising anarchist, the same Veer Savarkar who pacing is in his law thinking about universal love would stop walking on the grass, let he crush
lest he crush the tender grass under his feet. So was the Bhagat Singh reader by Chaman Lal. इसकी स्क्रीनशॉट दी हुई है, ये आप खुद चेक कर लीजिएगा. भगत सिंह रोट एन आर्टिकल ऑन कंट्रीब्यूशन ऑफ मदन लाल डिंगरा एंड ऑल्सो एक्नोलेज सावरकर्स रोल इन इंस्पायरिंग हिम. फ्यू पॉइंट्स आर भगत सिंह द स्टोरी हैड इज दैट द इम्पैक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट रीच्ड इंग्लैंड. के ऊपर जो हमने स्क्रीनशॉट देखा उसी को उसी के पॉइंट्स लिखे गए. मदन लाल डिंगरा मार्च 1928 ओरिजिनली इन पंजाबी, यानी कि ये पंजाबी की का आर्टिकल है जिसको कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करके यहाँ पे लिखा गया है. और कीर्ति के साथ जो है इनने जो इनकी कॉलेजी थी मतलब साथ पढ़ती थी मे बी या मतलब रेवोल्यूशनरी थी ये भी, उनके साथ मिलकर उन्होंने ये लिखा था. मदनलाल और सावरकर जी की ये पूरी लिस्ट है, मतलब ये स्क्रीनशॉट आप खुद से पढ़ लीजिएगा, मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ. देयर वॉज अटेम्प्ट फ्रॉम सावरकर ब्रदर्स टू सेव भगत सिंह, यानी कि जो सावरकर जी के भाई थे उन्होंने कोशिश की थी भगत सिंह को बचाने की. बाबा राव सावरकर्स ब्रदर हैड विजिटेड गांधी एट हिज आश्रम इन वर्धा ऑन 15 February 1931, अ डे बिफोर गांधी वॉज was to meet Lord Irwin. He pleaded with Gandhi to take up the cause of Bhagat Singh, Sukhdev and Rajguru and their clemency with the Viceroy. Given Gandhi's non-committal response, Baba Rao was miffed and walked away unsatisfied from the meeting. Yani ki jo Baba Rao the Savarkar ji ke bhai, unhone koshish ki thi Gandhi ji ko push karne ki ki unke bare mein aap baat karo, मतलब एटलीस्ट कुछ बात कर लो. लेकिन जो गांधी थे उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया. एज यूजुअल उन्होंने कोई रिस्पांस नहीं दिया और ना ही उन्होंने कुछ, क्योंकि उनको अपनी जो इमेज है उसके ऊपर उसको चमकाना था मे बी. सोर्स विक्रम संपत बायोग्राफी ऑन सावरकर. वाइल इन काशी बाबा राव केम इन कॉन्टेक्ट विद यंग रेवोल्यूशनरी फ्रॉम वेराग मीन महाराष्ट्र. श्री राम बलवंत Savarkar, who was obstinately in the holy town to study Sanskrit but was networking in the underground revolutionary movement. The leader put Baba Rao into contact with another daring revolutionary from Pune's Khed district. Sivahari Rajguru, who was later become the associate of Bhagat Singh. Baba Rao was deeply impressed by the daring nature of Rajguru and decided to organize the physical training for him at Amravati. Thereafter, Rajguru also stayed for a while at RSS headquarters in Nagpur, advanced his training. Rajguru then joined HSRA and Bhagat Singh and in his activities. Given the total lack of documentation due to obvious reason, secrecy, a lot of activities of the revolutionary were quite deducible. The dots need to be connected to deconstruct the larger picture of their clandestine network. In this attempt, the role of all three Savarkar brother become clear. यानी कि revolutionaries का बहुत बड़ा network था, लेकिन क्योंकि वो documents नहीं करते थे या फिर वो उस तरह से openly नहीं आ सकते थे, openly अपनी बात नहीं रख सकते थे, लेकिन बहुत scattered टुकड़ों में हमें information मिलती है कि वो एक दूसरे के साथ connected थे भारत से बाहर. अगर आप भारत से बाहर देखेंगे तो भारत से बाहर वो बहुत ज्यादा मिलते जुलते थे. इंडिया हाउस था, उसके अलावा यूएसए में एक सिख मैंने आपको बताए हैं ज्वाला सिंह थे. गुरुद्वारों का पूरा नेटवर्क था जिसको के बाद में जिसके अंदर के ब्रिटिशर्स जो है एक पर्सन घुस गया और फिर वो खालिस्तान मूवमेंट में चला गया. लेकिन ये सब लोग भारत से बाहर बहुत ज्यादा एक्टिव थे रेवोल्यूशनरीज, और भारत के बाहर से वो भारत के अंदर जो है बुक्स ये मटेरियल रीडिंग का मटेरियल लिखने का मटेरियल जो है वो भेजते रहते थे. दुर्गा देवी बोहरा हु प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन असिस्टिंग भगत सिंह एस्केप फ्रॉम लाहौर फॉलोइंग सावरकर्स मर्डर इन दिसंबर 1928 बाय पोजिंग हिज वाइफ लर्न द आर्ट ऑफ डिस्कस फ्रॉम नारायण राव.
सावकास ब्रदर्स वाइफ सोस, विक्रम संपत बायोग्राफी ऑन सावरकर, यानी कि जो भगत सिंह के साथ एक और पर्सन थे जिन्होंने उनकी वाइफ प्रटेंड करके जो है वो एस्केप करवाया था भगत सिंह को, वो जो है वो भगवती चरण वोहरा, उन्होंने ये जो आर्ट है फीमेल की तरह प्रटेंड करने का, वो जो नारायण राव थे सावरकर जी के भाई उनकी वाइफ से सीखा था। During another daring attempt made by revolutionary in Bombay, Baba Rao House in Khar was their residence. Durga Devi Vohra, known as Durga Bhabhi or sister-in-law, the wife of Bhagwati Charan Vohra, had stayed with Sarukas. In fact, Narayan Rao's wife Shantana recounts how she had taught Durga the art of discuss the dressing up in traditional Maharashtrian 9-yard sari. Durga had left her 8-year-old son Hari at Baba Rao's house. She had played an important role in assisting Bhagat Singh's escape from Lahore following Saunders' murder in 1928 by posing as his wife. यानी कि मराठियन किस तरह से उसको मतलब अपने आप को मराठा शो करना, तो उसके लिए उन्होंने पूरी तरीके से जो वीर सावरकर जी के भाई थे नारायण राव उनकी वाइफ से सीखा था किस तरह से साड़ी बांधनी है या किस तरह से मतलब बोल चाल होता है। क्योंकि अगर फॉर एग्जाम्पल एज अ पंजाबी अगर मैं मराठी प्रिटेंड करूंगी तो मैं पकड़ी जाऊंगी, क्योंकि उस तरह का मतलब बात करनी भी आनी चाहिए और पता होना चाहिए किस तरह से हमारे एक्शंस होते हैं, नहीं तो साफ पता चल जाता है कि नहीं ये पंजाब से है, ये महाराष्ट्र से है, यूपी से है। इवन दो साड़ी भी ना पहनी हो, सूट भी पहनो, लेकिन स्टिल पता चल जाता है आपके हाव भाव से, आपकी बात करने के तरीके से। आल्सो सावरकर्स ब्रदर बाबा राव आल्सो केम इन कॉन्टेक्ट विद राजगुरु एंड डिसाइडेड टू ऑर्गेनाइज फिजिकल ट्रेनिंग फॉर हिम एट अमरावती। ये भी देखिए कि जो बाबा सावरकर जी के भाई थे बाबा राव, उनका कांटेक्ट भी हुआ था राजगुरु से और उन्होंने ट्रेनिंग भी उनको अमरावती में दिलवाने की उनकी पूरी तरह से उन्होंने ही ऑर्गेनाइज किया था। वाइल काशी में बीच बीच में से ये जो स्क्रीनशॉट्स हैं इनके ज्यादा नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि आप खुद से पढ़िएगा, मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पढ़ रही हूँ। While in Kashi, Baba Rao came in contact with drug young revolutionary from Birad in Maharashtra, Shri Ram Balwant Sargo, who was a holy town to Sanskrit, यानी कि वो संस्कृत पढ़ने आए थे लेकिन वो revolutionaries के टच में आ गए और उसके बाद उन्होंने यहाँ पे जाके RSS के कैंप में वो रहे नागपुर में और वहां पे उन्होंने ट्रेनिंग एडवांस ट्रेनिंग जो है वो ली। अब मुझे नहीं पता RSS के कैंप में ली या फिर बाहर ली, लेकिन उन्होंने ली। सावरकर हाउस इन रत्नागिरी दैट ऑलवेज हैड द सेफ्रन फ्लैग अटॉप इट वाज नोटेबल आइडेंटिफायर हैड अ ब्लैक फ्लैग होस्टेड टू ग्रीव फॉर द यंग ब्रेव हार्ट। सावरकर आल्सो कंपोज्ड अ पोएम इन ऑनर ऑफ भगत सिंह immediately after the news of his execution trickled out. The poem was sung in different part of Maharashtra where tribute meeting for martyrs were held. Children in Ratnagiri also took out the procession singing this poem. Yani ki Sarkar ji ne jab Bhagat Singh ji ko phansi lagayi gayi to unke liye ek poem bhi likhi jisko aaj bhi Maharashtra mein jo hai wo padha jata hai. हाँ भगत ही सिंह ही है। यू गैल्पन द गैलोस ओ है फॉर अस राजगुरु यू हा वीर कुमार मार्टर इन नेशनल वॉरफेयर ही है जय है जय जय है। दिस ए ऑफ टुडे विल विन टुमारो रॉयल क्राउन विल कम होम वर यू क्राउन ऑफ डेथ बिफोर दैट वी विल टेक आर्म्स इन आवर हैंड द वंस विद यू वर किलिंग द एनिमी हु इज सिनर Who does the worship the unmatched sanctuary of your intentions? Go martyr, we take oath with testimony. The fight with arm is exclusive. We are remaining behind you. Will fight, will and win freedom. Hi, ha, Bhagat Singh he hai.
फॉर मंथ लेटर सावरकर रोट अनदर आर्टिकल इन श्रद्धानंद रिमाइंडिंग पीपल ऑफ भगत सिंह एंड हिज एसोसिएट इन देयर ब्रेव मार्टर. दिस वॉज द लाइन इन द सेवरल आर्टिकल्स दैट सावरकर रूटीनली रोट इन श्रद्धानंद इन सपोर्ट ऑफ रेवोल्यूशनरीज. फॉर इंस्टेंस 15 February 1930 ही रोट अ पीस इन सपोर्ट ऑफ मार्टर ऑफ काकुर केस अशफाकुल्ला खान टाइटल जनतेचा प्यारा अशफाक द डार्लिंग ऑफ मासेस अशफाक. यानी कि अशफाकुल्ला खान के बारे में भी उन्होंने यही कहा. इसीलिए मैं बोलती हूँ कि जो इंडियन मुस्लिम था उनको सावरकर जी के बारे में पढ़ना चाहिए. उनके क्या व्यूज थे इस आइडियोलॉजी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे इंडियन मुस्लिम्स की बात हो रही है. इन मुस्लिम्स को मैं कहना चाहूंगी कि उनको लगातार से इस नेशन की, इस देश की भूमि से जो है वो अलग किया गया, उनको इंडॉक्ट्रिनेट किया गया हिस्ट्री के थ्रू. उनको हमेशा ही ये बताया गया कि नहीं, तुम्हारे हीरो जो है वो भारत के बाहर के. अशफाकुल्ला खान के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं कोई? आपने देखा है कभी असदुद्दीन ओवैसी या जितने भी ये मुस्लिम सो कॉल्ड लीडर्स हैं, ये कभी भी अशफाकुल्ला खान जी के बारे में बोलते हो या उनके बारे में जो है वो उन्होंने कोई बड़ी रैली की हो? कभी भी नहीं करते. तो किस तरह से कनेक्ट करेंगे जो मासेस हैं? वो उनके साथ नहीं कनेक्ट कर पाएंगे क्योंकि उनके खुद की कोलैबोरेशन, ये जितने भी कोलैबोरेटर हैं आज बड़े बड़े, ये सब के सब जो है मुस्लिम लीडर्स बन के बैठे. इवन जो मौलाना है उनका कोलैबोरेशन था ब्रिटिशर्स के साथ. एविडेंस सजेस्ट दैट देयर वाज इवन एफर्ट मेड बाय सावरकर टू अवॉइड द डेथ ऑफ भगत सिंह. देयर वाज अटैक ऑन शीतलैंड ऑन 27 April 1934 टू avenge the execution of Bhagat Singh. Unfortunately, he survived the assassination attempt. Savarkar was arrested in the case later, acquitted due to lack of evidence. Source: Vikram Sampath biography on Savarkar. Yani ki uske baad kuch Sweetland ka attack bhi hua tha jab Bhagat Singh ki ko phansi laga di gayi uske baad, lekin wo bach gaye aur fir सावरकर जी के ऊपर केस भी चला, लेकिन केस लैक ऑफ एविडेंस के कारण उनको छोड़ना पड़ा. मैं वो डिटेल में नहीं जा रही हूँ. वामन बाबूराव चवन एक्यूज्ड इन अटैक ऑन स्वीटलैंड एंड हिज एसोसिएट विष्णु धमले वर आल्सो अरेस्टेड. इंटेलिजेंस रिपोर्ट से दैट बोथ ऑफ देम वर डिसिपल्स ऑफ सावरकर. सोर्स: नेशनल आर्काइव. यानी कि जो जिन्होंने स्वीटलैंड के ऊपर अटैक किया था भगत सिंह की को फांसी होने के बाद, उन दोनों के बारे में नेशनल आर्काइव, जो भारत का आर्काइव है नेशनल आर्काइव, उसको अगर आप ढूंढेंगे तो वहां पे इंटेलिजेंस की रिपोर्ट ये कहती कि वो दोनों जो है वो सावरकर जी को के फॉलोअर्स थे. और ये जो है ये सारी पॉइंट मैं यहाँ पे पढ़ देती हूँ जो बेसिकली हाइलाइटेड है. रेवोल्यूशनरीज एक्टिविटीज ड्यूरिंग द फोर्टनाइट टू इंसिडेंट अकर्ड विच मे इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द प्रेसिडेंसी. और ये ब्रिटिश की इंटेलिजेंस रिपोर्ट है तो इसके वर्ड्स पे मत जाइएगा. ऑब्वियसली उन लोगों को ने जो रेवोल्यूशनरी है उनके लिए अच्छे वर्ड्स नहीं यूज किए होंगे. ये आर्काइव जो है ये ब्रिटिशर्स के जो पेपर्स है उनको ही आर्काइव में, इंडियन आर्काइव में डाला गया. उनके वर्ड्स को नहीं छेड़ा जा सकता, तो वर्ड्स के ऊपर ध्यान मत दीजिएगा, कंटेंट के ऊपर ध्यान दीजिएगा. क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो रेवोल्यूशनरीज के लिए कोई अच्छे वर्ड्स तो यूज नहीं करने वाले थे. वामन बाबूराव चवन एंटर्ड द हेडक्वार्टर ऑफ द बॉम्बे बटालियन AFI एंड फायर्ड सेवरल शॉट्स एट मिस्टर FI स्वीटलैंड सब कंडक्टर इन द इंडियन आर्मी सर्विस. द वेपन एंड द इट्स एनुमिनेशन वाज परमिटेड. नन ऑफ द बुलेट फाउंड देयर मार्क बट द असिस्टेंट थ्रू अ डैगर व्हिच कॉज्ड अ वुंड ऑन स्वीटलैंड्स चीक. द अक्यूज्ड वाज अरेस्टेड बाय टू पुलिस कांस्टेबल व्हाइल ट्राइंग टू एस्केप एंड हिज एसोसिएट गंजन विष्णु धमले वाज सब्सिक्वेंटली अरेस्टेड. इन हिज स्टेटमेंट टू द पुलिस चवन सेड दैट हिज ऑब्जेक्ट वाज टू अवेज द डेथ ऑफ भगत सिंह. बोथ अरेस्टेड पर्सन अपीयर टू बी
natives of Ratnagiri and disciples of V.D. Savarkar, the inquiry are not yet concluded. यानी कि ये जो इंटेलिजेंस की रिपोर्ट है वो जो ब्रिटिशर्स की ऑब्वियसली इंटेलिजेंस है वो ये कह रही है कि वो सावरकर जी के फॉलोअर्स थे. अब उससे आगे का उन्होंने कुछ लिखा नहीं है. यहाँ पे भी देखते हैं ये बॉम्बे स्पेशल इमरजेंसी पावर एक्ट 1932. वन पर्सन ब्रैकेट V.D. सावरकर ऑफ रत्नागिरी वॉज अरेस्टेड ड्यूरिंग द फॉर्टनाइट अंडर सेक्शन 3 एंड 16. पर्सन वर इन जेल कस्टडी ड्यूरिंग द पीरियड. नो ऑर्डर वर इशूड अंडर सेक्शन 4 बट 396 वर इन फोर्स इन द एंड ऑफ फॉर्टनाइट. देर वॉज नो कन्विक्शन अंडर सेक्शन 14. द टोटल नंबर ऑफ कन्विक्शन इन कनेक्शन विद सिविल डिसऑर्डिनेंस ड्यूरिंग द फॉर्टनाइट एंडिंग द 30 अप्रैल वॉज बॉम्बे स्पेशल इमरजेंसी पावर एक्ट 1932. वन क्रिमिनल लॉ निल. अदर लॉ इंक्लूडिंग द क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 7. Revolutionary activities. V.D. Savarkar was arrested at Ratnagiri on 7th May under Section 3 of Bombay Special Emergency Power Act, as it was believed that he was interfacing the local investigation which were being conducted into antecedents of two persons arrested in connection with the attempt of life of sub-conductor. Sweetland reported in my last letter. The search of Savarkar's house revealed a number of newspaper cuttings regarding outrages all over India. Nothing has, however, so far been discovered which connect him directly with the offense, and it is therefore not proposed to extend the period of his detention, which expires shortly. यानी कि कुछ और मिला नहीं, सिर्फ भारत के डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में जो रेवोल्यूशनरीज कर रहे थे उनसे उनसे रिलेटेड न्यूज कटिंग्स उनको बहुत सारी मिली उनके घर में. इन 1970 इन 1970 भगत सिंह मदर माताजी विद्यावती देवी लॉन्च्ड अ बायोग्राफी ऑफ वी सावरकर आत्महूति रिटन बाय शिवाराव एंड पब्लिश बाय राष्ट्र अर्थना साहित्य. बिलो इज द इमेज फ्रॉम द फंक्शन. यानी कि ये भगत सिंह की मदर और उनके छोटे भाई हैं जो कि वीर सावरकर जी की बायोग्राफी जब आत्महूति जो है वो पब्लिश की गई तो वहां पे वो पहुंचे थे. वो क्यों पहुंचे थे, अगर उनका कनेक्शन था, कोई क्लोज कनेक्शन था तभी पहुंचे थे, इसी ऐसे तो वो जाने नहीं वाले थे. तो भगत सिंह मदर्स एंड यंगर ब्रदर एट द फंक्शन वेयर शी रिलीज द बायोग्राफी ऑफ वी सावरकर इलस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया 1971. और ये जिन्होंने लिखा है उनका ये ट्विटर हैंडल है, आप इसको जाके इनको जाके जो है वो फॉलो कर सकते हैं. आई थिंक इतना बहुत है आज के लिए, और सब जितने जितने लोगों ने सुना उनका बहुत बहुत धन्यवाद. जय जय हिंद, जय श्री राम.